अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं ये आज बयान करना चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ देर पहले पोस्ट की थी फ्रीलांसिंग के अपने थोड़ा सा जो मेरा कैरियर था उसके बारे में। तो उसमें मैंने बकायदा बताया था कि मैंने कैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया, कैसे मुझे मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल को मतलब बेहतर बनाया, और उसमें कितना किरदार गूगल ट्रांसलेट का था, ग्रामरली का था, और कितना यूट्यूब का था। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स उसमें आए, कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों की रिक्वेस्टें अभी भी आ रही हैं। तो मैं बकायदा आपको एक तरीका दिखा देता हूँ जिसके ज़रिए आप मतलब कस्टमर, अगर आपने डील करना है, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका है, नो डाउट ये हेल्प करेगा, लेकिन कस्टमर की अक्सर बाज़ अवकात रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसको ना गूगल ट्रांसलेटर भी आपको वो नहीं कर पाता, बयान नहीं कर पाता कि कस्टमर आपसे क्या कह रहा है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। कस्टमर की एक कोई रिक्वायरमेंट है ना, फर्ज कर मैं अगर रिक्वायरमेंट यहाँ पे शो करवा देता हूँ, 2 मिनट। जस्ट लेट मी चेक आर्काइव में, शायद कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक दिस, ये जैसे आप देख सकते हैं कि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट सब पूरी बता रहा है। ठीक है, मेरे पास कस्टमर आया, उसका मैसेज आया, हाई देयर, आई रियल प्लीज टू मीट यू, वी नीड टू क्रिएट एन ऑसम वीडियो इंट्रोड्यूसिंग आवर सर्विसेज। अब ये जैसे इसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप इसे पूरा एक दफ़ा पढ़ें, नहीं समझ आता दूसरी दफ़ा पढ़ें, नहीं समझ आता तीसरी दफ़ा पढ़ें, जब तक नहीं समझ आता मतलब 4 से 5 दफ़ा पढ़ें, नहीं समझ आता फिर आप इसे लाइक दिस इसे उठाएं, यहाँ से यूँ कॉपी करें, कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन गूगल ट्रांसलेट, यहाँ से फिर सेलेक्ट करें उर्दू। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं कि उर्दू में वो आपको बाकायदा बयान कर रहा है कि कस्टमर आपकी वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को उठा के उर्दू में कर देगा। लेकिन अब मसला ये है कि कस्टमर की बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो गूगल ट्रांसलेट आपको नहीं ट्रांसलेट कर पाता, क्योंकि जो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं बीच में कि जिसे गूगल ट्रांसलेट तो बाकायदा वैसे के वैसे ही बता देगा, जो टर्म है उसी की वो उर्दू बना के वैसे ही बता देगा, ठीक है यार ये टर्म है, लेकिन वो डिफाइन नहीं करेगा कि कस्टमर की टर्म क्या है, कि वो किस टर्म से आपसे बात कर रहा है, कस्टमर आपसे चाह क्या रहा है। तो उसका तरीका ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पढ़े, एक दफ़ा पढ़े, दो दफ़ा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़े, नहीं समझ आती फिर पढ़ें, फिर ट्राई करें कि जो आपसे वो बेसिक वर्ड्स जो है ना उसके मतलब टर्म्स के वो देखें कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट में ऐसा क्या है कि वो जो आपसे मांग रहा है। और रही बात अगर टर्म्स की, तो इसमें गूगल ट्रांसलेट तो जैसे ट्रांसलेट करेगा, अगर आपको वो स्किल सेट पूरा आता है कि जिस बारे में वो आपसे बात कर रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार वो किस बारे में बात कर रहा है और वो मुझसे चाह क्या रहा है। और रही बात अगर उसको मैसेज टाइप करने की या रिप्लाई करने की, तो उसका भी तरीका यही है कि आप फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर उर्दू में टाइप करते हैं, लाइक दिस, मैं अगर इसे उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ और सारा डिलीट करता हूँ, और मैं अपने कस्टमर को रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प फाइवर भी करता है, फाइवर। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे यूज़ अ क्विक रिस्पॉन्स का बटन है। सबसे पहले तो इसमें आप कर सकते हैं मतलब कोई भी रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं, हर रिस्पॉन्स का अपना मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर यू एंड वुड लाइक टू प्रोवाइड यू विद अ कस्टम ऑफर, हाउ एवर आई विल नीड मोर डिटेल्स सच एज। अब सच एज के बाद आप अब अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अब सच एज के बाद अगर आपने कोई भी बात करनी है, अगर आपके माइंड में जैसे है कि इंग्लिश नहीं आ रही प्रॉपरली, कि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे अपने वर्ड्स को इंग्लिश में, तो आपको करना क्या है फिर कि अपने जितने भी वर्ड्स हैं, लाइक दिस, कि अगर मैं इससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ किसी भी चीज़ की, और बोल तो इसके साथ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है,
लेकिन अगर मैं इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपकी टाइप होगी आप उस वाले से बात करेंगे। जैसे मेरी टाइप वीडियो एडिटिंग है, तो मैं यहाँ पे अब अपने कस्टमर से बात करूँगा इस बारे में कि आपको वीडियो में टाइटल्स चाहिए, कलर ग्रेडिंग चाहिए, कुछ भी इस तरह का, यानी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड क्या चाहिए। और जो आपकी टाइप होगी आप उस टाइप के हवाले से बात करेंगे। लाइक जैसे अगर मैं इसे टाइप करता हूँ कि सच एज आपको, लाइक जिस मैंने आपको के टाइप किया, आपको वीडियो में टाइटल चाहिए, कलर ग्रेडिंग चाहिए और किस तरह की चाहिए, और गूगल ट्रांसलेट जो होगा इसको ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में, यू वांट टाइटल और कलर ग्रेडिंग इन द वीडियो एंड हाउ इट शुड बी डन लाइक दिस, कि ये ट्रांसलेट करके आपको बकायदा एक सेंटेंस बना देगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करें। आई थिंक ये लास्ट वाला पेस्ट हो गया, सॉरी। कॉपी एंड आई एम गोना रिमूव दिस, सच एज तक, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यू वांट टाइटल्स आर कलर ग्रेडिंग इन द वीडियो एंड हाउ इट शुड बी डन। गूगल ट्रांसलेट भी आपको एक तरीका देगा इंग्लिश को करने का, ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सेंटेंसेस को, अपनी पंक्चुएशन को या ग्रामर को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, तो उसका आइडिया इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।